केरल के चलते देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। पिछले 7 दिनों में कोरोना महामारी के चलते होने वाली मौतों में जहां 22% की कमी दर्ज की गई, वहीं संक्रमण के मामले 8% बढ़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह केरल में संक्रमण की गंभीर स्थिति है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 42,766 नए मामले मिले हैं, जिनमें से अकेले केरल से ही 29,682 केस हैं। वहीं रविवार शाम को केरल में कोरोना वायरस के 26,701 नए मामले आए हैं, 28,900 रिकवरी हुई हैं और 74 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। केरल में सक्रिय मामले 2,47,791 हैं, कुल रिकवरी 39,37,996 हो चुकी है। अब तक केरल में कुल मौतें 21,496 हो चुकी हैं। केरल में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 17.17% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना का हाल, सक्रिय मामले 2,47,491, कुल रिकवरी 39,37,996, कुल मौतें 21,496, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 17.17%। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 दिनों में देश में कोरोना संक्रमण के कुल 2,93,427 मामले आए हैं, जो उससे पहले 7 दिनों में मिले 2,70,639 मामलों की तुलना में 8% ज्यादा हैं, जबकि पिछले 7 दिनों में महामारी से 2,707 लोगों की मौत हो चुकी है, जो उससे पहले के 7 दिनों में हुई 3,461 मौतों की तुलना में 22% कम है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।